हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, किस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया और किन किन ऐप की मदद से किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो। लाइक कमेंट शेयर करना बोलो, क्योंकि मैं इस वीडियो चैनल पर आता रहता हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना। फोटो सिलेक्ट करने के बाद फोटो को आप लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर देना, कुछ इस तरह से। शेयर बटन पर क्लिक करना, उसके बाद आपको लाइटरूम ऐप पर क्लिक कर देना। तो गाइज, फोटो लाइटरूम के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद डायरेक्ट आपको फोटो को टैप करना है, यानी क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइट वाले टूल में जाना। लाइट वाले टूल में जाने के बाद गाइज आपको करना क्या बता रहा हूँ, जितने आपके फ़ोटो में जो कमी है उसको आपको भरना है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपोजर को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे फोटो में ज़्यादा ही लाइट है, और कॉन्ट्रास्ट को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा हाईलाइट को मैं कम करूँगा, इसको रखूँगा कम से कम 55 के पास, और उसके बाद शेडो को मैं 74 के आसपास रखूँगा, 74 75 भी चलेगा। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे इसे 7 के पास रखूँगा, वाइट्स को और ब्लैक्स को -10 के पास। उसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्ट कलर वाल टूल में। कलर टूल में जाने के बाद डायरेक्ट जाऊँगा मिक्स टूल में। मिक्स टूल में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा, तो देखते जाइए। तो मैं हुई को रख देता हूँ -31 के पास, तो ये रहा -31। उसके बाद मैं सैचुरेशन को फोटो के हिसाब से, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं लुमिनस को, ये भी ठीक है गाइस। उसके बाद मैं ऑरेंज टूल में आऊँगा। ऑरेंज टूल में आने के बाद गाइस, मैं सैचुरेशन को कम कर दूँगा, सैचुरेशन को, और लुमिनस को हल्का सा बढ़ा दूँगा। और इसके बाद इसको इतनी रखूँगा हुई को। उसके बाद मैं येलो में जाऊँगा। येलो में जाने के बाद मैं हुई को पूरा डिस्क्रेस कर दूंगा, पूरा ही 100, और सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं लुमिनस को थोड़ा सा कम करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा। उसके बाद मैं ग्रीन में आऊँगा। ग्रीन में आने के बाद मैं सैचुरेशन को बढ़ा दूंगा, और उसके लुमिनस सॉरी गाइस, हुई को कम कर दूंगा, पूरा डिस्क्रेस -100। उसके बाद मैं यहाँ पर जो लुमिनस है उसको मैं हल्का सा बढ़ा लूँगा, जो फोटो में हमारे ये परफेक्ट है गाइस। तो सैचुरेशन आपको 55 के आसपास रखना है, या 50 के अंदर। तो मैं अब देखता हूँ ब्लू टोन कहाँ परफेक्ट लग रहा है, तो मैं ब्लू टोन नहीं रखूँगा। तो इसके बाद इसको बढ़ा दूँगा, इसको कम कर दूँगा, पूरा इसको कम कर दूँगा, उसके बाद डन कर दूँगा। डन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इफेक्ट में जाना, टेक्चर को बढ़ा देना, आपको क्लैरिटी को भी बढ़ा देना है, जिससे फोटो आपकी और ही अच्छी लगेगी। तो उसके बाद DH को भी आप बढ़ाना है तो बढ़ा लेना। तो ध्यान रखना गाइस, कभी भी DH ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद विगनेट को मैं इसको रख देता हूँ 36 या 35 के पास। तो मैं इसको कुछ मिड पॉइंट को ऐसे कुछ कर लेता हूँ, सर्कल जो मैं परफेक्ट लगे। उसके बाद राउंडनेस को भी देख लेता हूँ, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, शार्पनिंग थोड़ी गाइस डिटेल में जाऊँगा। डिटेल में जाने के बाद मैं शार्पनिंग को थोड़ा छेड़ूँगा, और उसके बाद नॉइज़ को भी, और कलर नॉइज़ को भी। तो इतना करने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगा प्रोफाइल वाले। प्रोफाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे लूँगा प्रोफाइल गाइस, आर्टिस्ट 3 की प्रोफाइल। तो यहाँ पे आता है मेन कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं मूडी ब्राउन आपको बता रहा था, तो मैं इसको कुछ इस तरह से रखूँगा। उसके बाद मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद गाइज, सॉरी गाइज, तो मैं आपको बताया नहीं कितना आपको अमाउंट रखना है, तो आपको रखना है 60 के आसपास। तो उसके बाद मैं डन कर दूंगा। सॉरी गाइज, यहाँ डन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, हाँ। तो उसके बाद मैं कलर में जाऊंगा। उसके बाद मैं मिक्स में जाऊंगा। मिक्स में जाने के बाद येलो टोन को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँगा। तो गाइज, इसके मैं सैचुरेशन को कम कर दिया मैंने, और इसके ग्रीन टोन के भी सैचुरेशन को मैं कम कर दिया हूँ। तो गाइज, इसके बाद फ़ोटो हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम जाएंगे गाइज, सॉरी गाइज, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो शेयर पे जाएंगे और सेव कर लेंगे। इसके आगे की प्रोसेसिंग मैं आपको लाइट पिक्स आर्ट के अंदर बताऊंगा। सो गाइज, लाइट रूम से रिटचिंग करने के बाद हम आ गए पिक्स आर्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, ऐड फोटो में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ लाइट PNG को ऐड करना है,
तो उसके बाद में यहाँ ब्लेंड मोड में जाना है आपको, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इसको कुछ इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है, उसके बाद आपको सेचुरेशन को थोड़ा देख लेना है, कस्टमाइज़ कर लेना है परफेक्टली। तो मैं यहाँ पे इतना ही, ठीक है गाइस, इसको मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद आपको ओपेसिटी भी अपने हिसाब से रख लेना है, तो ये परफेक्ट है, क्योंकि मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक स्नो इफेक्ट को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही रखा है, तो ब्लेंड मोड में जाकर आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन कर लेना है, और उसके बाद आपको इरेज वाले टूल में जाना है, सॉरी गाइस ऊपर है जो, उसको बाद आपको जहाँ जहाँ आपके फेस में आ रहा है उसको आपको हटा देना है, रिमूव कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये भी हटा देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं एक बार फिर डन कर लेता हूँ। तो गाइस फोटो हो गई हमारी पूरी तरह से कंप्लीट। तो फोटो आपका लाइट रूम में हमने कुछ इस तरह से रिटच किया था, और उसके बाद पिक्स आर्ट में हमने कुछ इस तरह से कर लिया। तो मैंने फोटो को कुछ इसी तरह से एडिट किया था गाइस। तो मेरी वीडियो कैसी लगा इस कमेंट बॉक्स में बताया। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। तो कीप सपोर्ट एंड कीप वॉच दिस वीडियो, ओके बाय। तो सबसे पहले हम जाएंगे हम से ड्रॉ में जाके इसे सेव कर लेते हैं। लेयर लेयर को ऊपर कर लेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पर जाके सेव, ओके बाय गाइज।